हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड इन दिनों सदमे में है। वजह है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फिल्मी सितारों का सबसे बड़ा रहनुमा बाबा सिद्दीकी का मर्डर। सीधा शक गया बॉलीवुड भाईजान के दुश्मन नंबर वन लॉरेंस बिश्नोई पर। फिर अगले ही दिन लॉरेंस गैंग ने बाबा के मर्डर की जिम्मेदारी भी ले ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो वजह निकल कर सामने आई, उनमें एक सलमान खान का सबसे करीबी दोस्त होना भी है। मगर ऐसी कौन सी दुश्मनी है डॉन लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से, जो उसके करीबी तक को नहीं छोड़ा गया। मीडिया से लेकर पुलिस की बड़ी कहानियां हैं। कोई काला हिरण की कहानी सुनाता दिखेगा, कोई सलमान की माफी ना मांगने की बात करता दिखेगा, मगर ये सब अधूरा सच है। लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी की असली वजह तो आज आपको पता लगेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, वरना आप भी हिरण और माफी की कहानी तक ही अटके रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये बाबा सिद्दीकी कौन है? न कोई हीरो, न प्रोड्यूसर, न डायरेक्टर, फिर इनकी हत्या से बॉलीवुड में कोहराम क्यों मच गया? असल में कहानी शुरू होती है सुनील दत्त से। मुस्लिम लड़की नरगिस से शादी की, जब नाम कमा लिया तो नेतागिरी में आ गए। कुछ ऐसा करना था कि एक मंच पर अभिनेता से लेकर नेता सबको खड़ा कर सकें। जरिया बनी रोजा इफ्तार पार्टी। सुनील दत्त की इफ्तार पार्टी बॉलीवुड में ऐसी मशहूर कि हर अभिनेता, हर नेता, हर अफसर इसका हिस्सा बनने दौड़ा चला आता। हर धर्म, हर मजहब का बड़ा छोटा आदमी मौजूद। गजब का पीआर हो जाता। उस जमाने में सुनील दत्त का एक बेहद खास शख्स हुआ करता, नाम था बाबा सिद्दीकी। बाबा की समझ में सारी गणित आ गई। सुनील दत्त के बाद इफ्तार पार्टी का जिम्मा उठा लिया बाबा ने। जैसे जैसे कद सभासद, विधायक से मंत्री पद तक बढ़ने लगा, वैसे वैसे बॉलीवुड में बाबा की इफ्तार पार्टी भी फेमस होने लगी। फिर तो ऐसा दौर आया कि बड़े बड़े सुपरस्टार साल भर इंतजार करते बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड इफ्तार पार्टी का। जिसको निमंत्रण मिल जाता वो उस दिन सारी शूटिंग कैंसिल कर देता, जिसको ना मिलता वो अगले साल का इंतजार करता। नामी प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर, मशहूर हीरो हीरोइन, काम की तलाश में भटक रहे लोग सब पहुंच जाते। काम बनते भी, बिगड़ते भी। सलमान शाहरुख के बीच सुलह हो या संजय दत्त की समस्या का हल, सब यही हुआ। बाबा की पार्टी स्टेटस सिंबल बन गई। बाबा सिद्दीकी वैसे तो सबके खास, मगर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से करीब कोई ना था। लॉरेंस गैंग का हत्या में नाम आया तो सबसे पहली खबर मीडिया में यही फैल गई कि सलमान के जिगरी दोस्त होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर क्या यही सच है? क्या लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी के चक्कर में हुई बाबा की हत्या? वैसे ये दुश्मनी क्या है? वही जो काला हिरण की हवा फैलाई गई है। चलिए पूरा सच बताते हैं। हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस बिश्नोई, जो 12 फरवरी 1993 को पंजाब में पैदा हुआ, पंजाब से LLB पढ़ रहा लड़का जो छात्र संघ चुनाव हार गया, हार सह न सका तो बागी हो गया, गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में आया, धीरे धीरे जरायम की दुनिया में पहुंच गया, गिरोह भी बना लिया, शूटर भी एक से एक, बस एक कमी रह गई, वैसा बदनाम ना हो पा रहा था जैसे बड़े डॉन होते हैं। कोई वजह चाहिए थी इस बात से बेखबर कि वजह तो सुपरस्टार सलमान खान तभी दे चुके थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। 1998 का साल था, अक्टूबर महीना, जोधपुर का कांकड़ी गांव। सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान जवानी के जोश में थे। सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू को बैठाया जिप्सी में और निकल पड़े शिकार के लिए। काला हिरण दिखा, चला दी गोली,
शिकार करते भागते हुए एक गांव वाले ने सलमान खान को पहचान लिया। सलमान निकल तो गए मगर जो गलती कर बैठे वो नहीं पता थी। बिश्नोई समाज के लोगों के लिए काला हिरण भगवान का स्वरूप है, वो इसे पूजते हैं। जब काला हिरण के शिकार में सलमान खान का नाम आया तो बिश्नोई समाज के लोग इससे नाराज हो गए और तब एंट्री हुई लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगने या अंजाम भुगतने का ऐलान कर दिया। न सलमान ने कभी जोधपुर जाकर माफी मांगी, न ही लॉरेंस ने उनको कभी माफ किया। मगर क्या बस यही दुश्मनी की असली वजह है जो हर जगह बताई जाती है? नहीं, ये तो आधा सच है। असल में बॉलीवुड हमेशा से डॉन माफिया की उगाही का अड्डा रहा है। पूरे बॉलीवुड से एक दौर में बड़े बड़े डॉन माफिया 100 करोड़ का हफ्ता इकट्ठा किया करते थे। 90 का वो दौर पूरी तरह से माफिया राज में था। धीरे धीरे मुंबई पुलिस ने एक एक कर संगठित माफिया राज की कमर तोड़नी शुरू की और इस समय बॉलीवुड में कोई बड़ा संगठित माफिया गिरोह नहीं है जो करोड़ों अरबों की हफ्ता वसूली कर सके। लॉरेंस गैंग की नज़र बॉलीवुड के इसी अथाह पैसों पर थी। लॉरेंस बिश्नोई के पास सब कुछ था, गिरोह एक से एक शूटर, मगर वैसा खौफ नहीं हो रहा था जो दाऊद या छोटा राजन जैसों का हुआ करता, जिनको सूटकेस भरकर हफ्ता देने खुद बड़े बड़े स्टार उनके घर जाया करते। इसी खौफ को पैदा करने के लिए लॉरेंस ने 2018 में सलमान खान को टारगेट किया, धमकी दी, लेकिन तब भी कोई खास खौफ नहीं हुआ। मगर 2023 में जेल से दोबारा मारने की धमकी दी तो नाम उठने लगा। अब भी शक था बॉलीवुड को कि धमकी ही देता है या दम भी है। 2024 में सलमान खान की बालकनी में गोलियां चली, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक से उठ गया। हर हमले हर धमकी की खुलेआम जिम्मेदारी लेता जा रहा था और अब तो बॉलीवुड के अमर सिंह कहे जाने वाले बाबा सिद्दीकी का कांड करवा कर दो, लॉरेंस बंबई का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन से अब हफ्ता वसूली का खेल फिर शुरू हो सकता है, या शायद हो भी चुका होगा। ये कोई सलमान वर्सेस लॉरेंस की अहम की लड़ाई नहीं, करोड़ों अरबों की अवैध वसूली का खेल है। दोस्तों, अब आप अपनी राय बताइए, क्या सलमान खान को जोधपुर जाकर बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं, या लॉरेंस बिश्नोई को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? सलमान सही है या लॉरेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।